अरे भाई तेना लड़ाई लड़नी सीधम सीध किया मेरे यार, तू कमाल कर रहे के लुका छुपी कर करके के लड़ाई लड़ेगा बता। रघुवीर तो एक और कह है, रघुवीर तो चाला पाड़, रघुवीर तो जितना भाई चाला पाड़ नहीं है तो कोई नहीं हो सकता। वो के कह है, अरे छोरे चिंता मत कर, तेरी तीन पीढ़ी की बोध काट दूंगा, तीन पीढ़ी की बोध क्यों कर कट है भाई बताओ। अब भाई हरिओम देख दिखा भाई, छोरे का क्या नाम है, छाती ना पाओ, छाती ना पी, छाती तो ठीक है कद छोड़ा है, कद का भी फिटता तारा है, कद भी बोले चल जाएगा, बोले तेरी पक्की नाम लिखा भाई। ये काम कर रहे हैं, मतलब नौजवानों को बहकाने का यही तरीका है, तेरी नौकरी पक्की भैया, डाके मरवा होगा, चोरी कराओगा तीन पीढ़ी की, या कोई नशा को स्मैक स्मूक बिकवा होगा, क्यों कर कटेगी तीन पीढ़ी की बोध है, बोलो भले तीन पीढ़ी की बोध काट दूंगा। तो ये चीजें जो है इनसे बचो और हाथ जोड़ लेने का भाई डट जाओ, मोदी ने कुछ काम कर लेने दो, तुमने 60 साल कर लिया मोदी ने भी, 15-20 साल मोदी ने भी कर लेने दो, देश को कितना आगे बढ़ा देगा मोदी को सोच नहीं सकता। आठ नौसेना अधिकारियों को फांसी की सजा होगी कतर में, और उनको सकुशल अगर वापस ले आया तो कौन ले आया, मोदी जी। फिर अरे भाई मोदी जा है, ये मोदी जा है, राष्ट्रपति तो लेना है, और राष्ट्रपति घराली फिर दिन में पूछे है मोदी जी रात के खाने में क्या खाओगे, हकीकत है ये। तो दूसरे देशों में प्रधानमंत्री देखा, हमारे प्रधानमंत्री के पाए मिटाई मारे, मतलब ये देश, इसका मतलब देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। और भाई जन्यो बेरा पट जाएगा ना कि बागपुर में इतनी बड़ी जनसभा होगी, आज रात में बढ़ जाएंगे थरे घर में न्यू बढ़ जाएंगे भाई, क्या भाई मारी के लाओ 5-10-15-20 लिकड़ते को ना इमाम जड़ कल गामा में गए थे ना, आज फोन आया है, बोला डॉक्टर साहब अड़कर के कर गया, मां क्यों, बोले मारे तो लिकड़े ना रे सुबह से बैठे हैं, पर ज्वाइन कर कांग्रेस ज्वाइन कर, ये काम जो है उल्टे काम कर रहे हैं, न समझाओ नहीं सुधर सकते, और झूठे इतने। इस इलेक्शन को जीतने के लिए इन्होंने इतने तरीके अपना रखे हैं, इतने तरीके, किसी भी तरह से इनको इलेक्शन जीतना है, जबकि इनको पता है कि डॉक्टर अरविंद शर्मा में कोई सुई की नोक टेक जितना भी मीन में एक नहीं निकाल सकता, ना हमने कभी जाति पाति की है ना जिंदगी में करा, धर्म के स्थान पर खड़े हैं, हमने कोई जाति पाति नहीं की, हम सबका साथ सबका सबके साथ जे के हैं। फार्म जब भरने जाने लगे, नॉमिनेशन जब भरने जाने लगे, तू पूरे देश में डिंडोरा पीटे इन्होंने पूरे देश में कि भाई डॉक्टर अरविंद शर्मा के नाम का, अरविंद शर्मा के नाम का कोई और लाओ फार्म भराने के लिए, और लाओ सुन तो नहीं अभी सारे के ढूंढे रोत रात को मिला नहीं, कड़क को राजस्थान का है, कोई भिवानी में आकर लाग रहा है, कोई और कित का है हिसार में, दो टोल ही इनने, और उन दोनों में फार्म भरा रखे, देखो चारों तरफ मोदी और कमल का फूल पूरे देश में, ये इधर उधर के लोग बहका देते हैं, कांग्रेस वाले विपक्ष वाले बहका देते हैं, इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, इनके पास को क्यों, चुनाव लोकसभा का है, लोकसभा के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री चुना जाता है, और ये इधर उधर उसको घुमा रहे हैं कि लोकसभा एमपी बढ़ा दो भाई हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये चुनाव लोकसभा का है, लोकसभा के बाद प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है, और वो भी ऐसा प्रधानमंत्री जिसने 2014 के बाद इतनी व्यवस्थाओं में बदलाव किया, इतना परिवर्तन किया देश में कि पूरा देश इस बात को मानता है, एक ही बात कहता है किसी भी काम के लिए कि मोदी है तो मुमकिन है, ये कहता है, ये देश देश नहीं पूरा विश्व कहता, पूरा वर्ल्ड कहता है, ऐसे ऐसे काम मोदी ने करके दिखाए हैं। धारा 370-35 से अब कई कहते हैं भाई, मैं एक दो गांव में गया परली तरफ, एक दो नौजवान ने कहा जी बोला मारा धारा 370-35 से मारा क्या फायदा, अब देखो भाई मगा भाई तो साची बताएगा, बोला हाँ मतने बीजेपी की वोट दी थी पीछे, बोला ना जी, और बोला ना अग्गे दियो मैं क्यों, बोला धारा 370 या गलत हटा दी, मैं कांग्रेस भी नहीं हो कह भाई गलत हटा दी, अगर हम आ गए तो हम धारा 370 ने फिर लागू करेंगे, मैं तो कांग्रेस ही, बोला जी कांग्रेस ही तो को लिया, बोला न्यू ला लो, मतलब उसने कहा न्यू ला लो। अब एक बात बताओ आपको इस बात का, हमारा जो इलाका है ये बेरी का इलाका, बेरी ने हमारा जनरल दलबीर सुहाग हमारे बेरी का बिसाण के, ये बहादुरों का
स्वतंत्रता सेनानी शहीदों का इलाका हमारा बेरी का, बेरी झज्जर सालावास मातनेल कोसली ऐसे निकल जाओ। इन लोगों की शहादत है, लोगों को पता ही नहीं धारा 370 हटने से हमारा कितना फायदा हुआ है। आप देखो 2014 से पहले 45,000 कितने 45,000 से भी ज्यादा हमारे सैनिक, हमारे अफसर, फौजी अफसर सैनिक ये टेररिस्टों की उग्रवादी गतिविधियों में शहीद हुए हैं। 45,000 से भी ज्यादा पूरे देश में की बात कर रहा हूं। और हरियाणा का हिस्सा 11% हरियाणा का फौज में हिस्सा है। तुम ये ऐसी बात कर दी, इसका कोई फायदा ही नहीं। और मां जब से धारा 370 हटी है तुम देखो कितनी उग्रवादी गतिविधियां बिल्कुल ना के बराबर रहेगी, ना के बराबर। वो पत्थरबाज पुथरबुज सब खत्म हो गए। अब एक और काम मोदी जी करने जा रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश एक कानून। ये भी कोई छोटी बात नहीं है, गहराई से सोचने की बात है भाई ये क्या है। पहले कहते थे भाई हिंदुओं के लिए कानून कुछ और दूसरे धर्मों के लिए कानून कुछ और, अब ये एक बराबर बात हो जाएगी। इसको भी गहराई से सोचो। किसानों का सम्मान, हालांकि राशि कई कह सकते हैं भाई 6,000 रुपये राशि है, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए 12 करोड़ किसानों को 6,000 रुपये यानी कि 72,000 करोड़ रुपया साल का प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों के खातों में डालते हैं, 72,000 करोड़ रुपये। और इसके आगे सुनो, अब बात अगर हम देखें मान सम्मान की, तो ये थोड़ा मान सम्मान है भाई। संकल्प पत्र की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उसका संकल्प पत्र मीन मैनिफेस्टो, वो आपका जो है निकले और उसकी पहली कॉपी हमारे सिलानी गांव के किसान बीर सिंह रामबीर चहार सिलानी गांव के रामबीर चहार को पहली कॉपी प्रधानमंत्री ने पकड़ाई। ये कोई छोटा सम्मान है? किसान पकड़ने पूरे देश के किसानों में से हमारा सिलानी गांव का छाटा, तो इसका मतलब मोदी जी के दिल और दिमाग में रोहतक और जज्जरी के रोहतक लोकसभा पूरी अच्छी तरह से मोदी जी के दिमाग में। और जब आते हैं तो जय जवान जय किसान और जय पहलवान, पहलवान का मतलब खिलाड़ी, कबड्डी कुश्ती के साथ साथ खिलाड़ियों से तो बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं हर एक का, सबका साथ सबका विकास। अब ये बताओ आपके काम में गांव आयुष्मान कार्ड बने हैं, हिमालय किसी एक ने कह दे भाई मेरा आयुष्मान कार्ड बन गया, बोला के घनी बड़ी बात है आयुष्मान कार्ड बन गया। अरे भाई 59 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हैं देश में, 59 करोड़। और लोग बाग आंखों में आंसू लेकर के, प्यार के आंसू लेकर के, विश्वास के आंसू लेकर के बताते हैं। एक गांव में बताया 42 साल का लड़का था, रात को हार्ट अटैक हो गया। उसके पिताजी ने बताया कभी भरी सभा में, बोले मेरे पास डॉक्टर साहब सिवाय कार्ड के आयुष्मान कार्ड के मेरे दौरे देला नहीं था, मैं गया इलाज करा, लड़के की मौत बच गया, उसकी जिंदगी बच गई। ये चीजें हैं, ये किसने करी? मोदी जी ने करी। तो इन चीजों को देख करके देश का सम्मान देश में विदेशों में, जिस सुबह से शाम तक मोदी जी के ऊपर बोलते रहो, पार्टी के ऊपर बोलते रहो। और जब कोई काम की बात होती है, कोई काम करा होता है, उसमें सबका हिस्सा। मोदी जी कहते हैं धारा 370 हटी सबका हिस्सा है। आज देश 5वीं अर्थव्यवस्था है, पूरे देशवासियों का हिस्सा है, 3री बनेगी उसमें भी हिस्सा है। विकसित भारत जो है, विकसित भारत मीन 2047 का भारत, विकसित आत्मनिर्भर भारत, उसमें भी सबका हिस्सा। लेकिन हम अपने कर्तव्यों का पालन करें अधिकारों के साथ साथ। तो मेरे बुजुर्गों साथियों, ये जो सरकार मोदी जी की सरकार गरीब किसान
दलित, बैकवर्ड, नौजवान, कर्मचारी, व्यापारी, बुजुर्ग, महिलाएं, स्वतंत्रता सेनानी, शहीदों के परिवार, सबका ध्यान रखती है और सबके उत्थान के लिए, सबको बढ़ावा देने के लिए आगे जो है कदम उठाती है। आप कोई भी देख लो, खिलाड़ियों का मान सम्मान देख लो, राशि कितनी बढ़ा दी, शहीदों के परिवारों के मान सम्मान राशि कितनी बढ़ा दी, सभी के लिए ये करती है। आप देखो 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य, ये सारी योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और एक और कर दिया, 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को उनकी आमदन से कितनी भी हो, एजुकेशन लोन कर दिया जी 25 लाख, देखो वेरी गुड, देखो कितनी बड़ी बानी इधर कर दिया, एजुकेशन लोन किया, उसके साथ 20 लाख रुपए कोई भी नौजवान अगर किसी में कोई टैलेंट है, अपना काम शुरू करना चाहता है, 20 लाख रुपए का लोन बिना गारंटी के, बिना इंटरेस्ट के, दाम डबल हो गए जी, समझे? हाँ, दाम डबल हो गए, डबल कही है तो ट्रिपल और ब्रेनो की क्यों हो रहा है, तो समझना पड़े। देखो अगर पॉजिटिव सोचते हैं तो भाई मोदी का कोई मुकाबला नहीं। अरे कांग्रेस ही भटक रहे भी ना, क्या बताओ भाई, मानते हाथ नहीं, अगले का जी नहीं लगता, ये जो गचके मारा करते हो, एक आधा किलो की थैली ले घूम रहे हैं, कहते दूध की थैली ना पकड़े, अरे बोला यो के पकड़ रहा, बोला डट जाओ, इब्बत 2-3 महीने फिर देखेंगे। वो अपना सिस्टम देखते, उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं, उनके दिमाग में सरकार आनी चाहिए, हमारी खर्ची पर्ची चलनी चाहिए, बाकी बाढ़ में जाओ। इब देखो ना अपने केकर लाग रहे हैं, इब जड़े जलसा में जा, जड़े अपने मीटिंग मुटिंग करते हैं, उड़े इंस्टेप डाल रहे हैं, अड़े भी आओगे, अड़े भी काम कर देंगे। और भाई मारा इलाका, मैंने बताया बहादुरों का इलाका है, देशभक्तों का इलाका है, ये मोदी का इलाका, ये ना तो डरने वाले ना दबने वाले, इन इस बात का बेरा भी इस बात का, लेकिन पत्थर में सिर मारने लाग रहे हैं। तो इन बातों को समझो। और भाई मैं तो ये प्रार्थना, भाई पहले भी आशीर्वाद दिया, फिर से आशीर्वाद दे के कामयाब करो, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओ। और भाई कति ऐसे स्थान पर खड़े हैं, आया जाई में जो कमी रह रही इसने पूरी करेंगे, इसने और बढ़ाएंगे, और कोई कामों में कमी रहेगी उनको पूरा करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।